रैया सॉल्यूशन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक दूसरा डिस्क्रिप्टर लाया हूँ यहाँ पर, जो है नीलेश पटेल ने हमको भेजा है और फाइल है USAN। तो ये फाइल हम डिस्क्रिप्ट करेंगे आज, जो bnd.rar.usan और यहाँ पर pdf.rar.usan जो हमारा यहाँ पर फाइल टाइप है उसमें USAN फाइल टाइप दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम यहाँ प्रॉपर्टी में देखेंगे तो देखो यहाँ पर USAN फाइल ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है, जो कि हमारा RAR फाइल था, तो ये इंस्क्रिप्ट हो चुका है अभी। तो हम इसको डिस्क्रिप्ट करेंगे। तो पहले हमको यहाँ पर जो लेटेस्ट डिस्क्रिप्टर फॉर USAN है उसको एडिट करके यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी फाइल में चाहिए, यानी कि मेरे उनको RAR में चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पर RAR कर लूँगा। थोड़ा चेंजेस है इसमें, जैसे ही हमने टोपी किया था वैसे ही है, पर थोड़ा चेंज है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहले आपको RAR कर लेनी है, यानी कि मेरे को RAR चाहिए, तो मैं यहाँ पर से USAN की जगह पर RAR में इसको रीनेम कर दूँगा पहले तो। और इसके बाद में आपको एक फाइल में और एक चेंजेस करना है यही फाइल में, तो पहले आप इसको सेव कर लीजिएगा यहाँ से सेव करके। और ये सेव हो जाए उसके बाद आप पहले ऊपर के फाइल के स्टार्टिंग में आ जाएगा ऊपर यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिखा है, दूसरा फाइल है जो यहाँ पर लिखा है कि रिप्लेस कोड विथ योर दिस कोड, यानी कि आपके इस फाइल में जो कोड दिया गया है उस कोड की जगह आपका कोड आपको डालना है जो रीडमी में दिया हुआ है। मैं देखो करता हूँ यहाँ पर, एक बात ध्यान से देखना। मैं पहले हमारा ये फाइल ओपन कर लिया, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, इसको क्लोज कर दूँगा, मेरा फाइल में आ गया। देखो मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ, और फाइंड करने के बाद फाइंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे तो देखो ये हमारा शो यहाँ पर हो गया कि ये कोड है जिसकी जगह हमको हमारा कोड डालना है, यानी कि वो कोड है आपका पर्सनल आईडी। तो आपको ये डिस्क्रिप्टर यहाँ पर रख देना है और रीडमी में जाना है, और आपको नीचे जाके आपका पर्सनल जो रीडमी का फाइल है उसका कोड यहाँ पर कॉपी कर लेना है, उसको क्लोज। और ये हमारी फाइल जो ओपन है, ये वाले कोड की जगह हमको ओ वाला कोड पेस्ट कर देना है, यानी कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो देखो वो हमारा कोड चला गया और उसकी जगह ये कोड आ गया, यानी कि रिप्लेस विथ योर कोड, यानी कि जो कोड मैंने मेरे फाइल में दिया है उसकी जगह आपको ये आपका रीडमी वाला कोड ऐड कर देना है, बाद में आपको सेव कर लेना है। यानी कि पहले तो जो आपको जो एक्सटेंशन है आपका जिसमें आपकी फ़ाइल चाहिए वो करना है, और उसके बाद आपको ये एडिट करना है कि आपका जो कोड है वो इस कोड में जो फाइल दिया गया है उसका कोड की जगह रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ऐसे आप अपना कोड रिप्लेस कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। और बाद में आपको करना है जो आपका डिस्क्रिप्टर है उसको रन। मैं इसको दोबारा क्लिक करके यहाँ पर रन कर देता हूँ। जब ये डायरेक्टली हमारा जो है RAR आर्चिवेट यहाँ पर फाइल आ चुका है, तो मैंने रिफ्रेश कर दिया तो उसका आइकॉन भी आ चुका है देखो। पर ये फाइल अभी करप्ट है तो ये ओपन नहीं होगी। देखो मैं अभी ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर फाइल इज करप्टेड हीडर करप्टेड फोल्डर करप्टेड करप्टेड, यानी कि ये हमारा फाइल करप्ट है। यहाँ पर से ओपन, ये देखो एक फोल्डर दिखा रहा है पर ये भी करप्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें अभी कुछ हम कह नहीं सकते कि क्या है और क्या नहीं, ये पूरा करप्ट है। वो तो हम ओपन करते हैं तो डायरेक्टली उसमें करप्टेड का ही मैसेज आ रहा है, तो ये हमारा फाइल अभी पूरा नहीं हुआ है। और देखो ये RAR PDF है, तो PDF RAR में भी ऐसा ही दिक्कत वाला काम है। देखो यहाँ पर तीन PDF हमको दिखाई दे रहा है, हम इसको ओपन करते हैं पर सेम एरर, फाइल इज़ करप्टेड नो एडिटर फुटर जो भी हो,
तो हम यहाँ पर अभी हेक्स एडिट से जो हमने टोपी वाले में किया था ऐसा ही करना होगा हमको, कि हमको हमारा फाइल का कोड इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो पहले हम एच एक्स डी ओपन कर लेते हैं और इसमें हमारी फाइल को लाते हैं। यह पीएनडी फाइल को मैं पहले ड्रैग करता हूँ, इसको रख देता हूँ और दोनों फाइल को मैं साथ में ही लेता रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम भी कम बचे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। और ये मैं दूसरा फाइल भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर एक आया गया और दूसरा बांस में आ गया। ये पीडी है और ये पीडीएफ है, तो दोनों फाइल एक साथ में आ गए। अभी मैं इसको जैसे ही टोपी फाइल में किया था वैसे ही करूँगा, सेम प्रोसेस। रीडमी ओपन करूँगा, उसका नीचे वाला कोड ले लूँगा जो कि हमारा है, कॉपी कर लूँगा यहाँ पर और जैसे ही हमने वहाँ पर किया था वैसे ही करूँगा। सर्च में सर्च में फाइंड करेंगे और फाइंड में टेक्स्ट स्ट्रिंग पर रखेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट और यहाँ पर कर देंगे सर्च। तो देखो यहाँ पर हमारा जो कोड जैसे ही टोपी में था वैसे ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। परंतु इसमें एक दिक्कत वाला है कि जो हमारा टोपी में पर्सनल आईडी था वो भी अलग था और इसका पर्सनल आईडी भी अलग है। तो जो भी लोग टोपी का भी वीडियो देखा हो और जो ये वीडियो देखा हो यूएसएएम का, तो उसमें ऐसा है कि जो ये पर्सनल आईडी हो अलग है, तो आप टोपी वाला पर्सनल आईडी इसमें डालेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो फाइंड ही नहीं करेगा। तो अलग अलग जो उसका पर्सनल आईडी हो तो रहेगा, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत वाला होगा। तो आप अपना जो रीडमी फाइल है उसमें से पर्सनल आईडी ढूंढ के इसमें डालें ताकि आपको आसानी रहे। मैं यहाँ से जो हमारा जैसे ही हमने वो टोपी में किया था वैसे ही करेंगे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर से देखो, यहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो कर्सर है वहाँ पर, तो टी के पास में पूरा जो ब्रैकेट है उसको यहाँ से 7D यानी कि 7D से वो ब्रैकेट स्टार्ट होता है यहाँ पर, तो वहाँ से ख़त्म होने के बाद सीधा ऊपर ले लेंगे हम। तो ब्रैकेट हमारा ये पूरा ऊपर का कोड या है जिसे आप कॉपी कर लेते हैं और हम इस जो सिलेक्शन है उसको हटा देना है पहले। मैंने वो आपको उसमें भी बताया था टोपी वाले में कि हमको सिलेक्शन पहले यहाँ पर से निकाल देना है। और अभी क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा आप। सर्च में जाना है, रिप्लेस करना है और हमको रिप्लेस में यहाँ कुछ नहीं करना है, जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है वहाँ पर नहीं, यहाँ पर हेक्स वैल्यू ले लेना है। हेक्स वैल्यू में लेके इस कोड को हम यहाँ पर से निकाल देंगे यानी कि डिलीट, या तो एस्केप आप कर सकते हैं वहाँ से। और एस्केप के बाद यहाँ पर आपको जो आपका कोड है वो पेस्ट कर देना है जो हमने वहाँ से कॉपी किया था वो। अब ध्यान में रहें हेक्स वैल्यू में करना है, ठीक है। और यहाँ पर से हम सर्च ऑल कर देंगे और यहाँ पर से रिप्लेस ऑल कर देंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हमको रिप्लेस 6 टाइम यहाँ पर मिला है रिप्ले इसका, तो ये रिप्ले हमको मिल गया है और अभी हमको 6 टाइम इसने ये क्लीन कर दिया है। तो अब हम यहाँ करेंगे ओके। ओके करने के बाद हम फाइल के स्टार्टिंग में जाएंगे और फाइल में कुछ एडिट हुआ है तो हाँ बिल्कुल यहाँ पर हुआ है। जो हमारा एक्सटेंशन था और रार था, तो हमारी फाइल रार के नाम से आगे से स्टार्ट हो रही है। और देखो यहाँ पर पीडीएफ में रार भी आगे है, तो हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर रार आगे नहीं है, यानी कि यह फाइल मेरा हिसाब से क्लीन कंप्लीट हो चुका है। क्लीन कंप्लीट मेरे हिसाब से नहीं, ये फाइल कंप्लीट 100% क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर फिर मैं इसको सेव कर दूँगा। जैसे ही आप सेव करोगे पास में देखोगे कि इसका बैकअप फाइल दूसरा उसने बना दिया। और अभी हम यही प्रोसेस pdf.rar में दूसरी बार करेंगे। तो इसमें हमको ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जस्ट जैसे ही मैंने टोपी में किया था वैसे ही डायरेक्टली इसको सर्च रिप्लेस और यहाँ पर रिप्लेस ऑल, यहाँ पर ओके कर देंगे। यहाँ पर 7 टाइम रिप्ले कर दिया इसने और यहाँ पर ओके कर देंगे और इसके बाद इसको भी सेव कर लेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर ऊपर फाइल के ऊपर जाके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो देखो इस फाइल का भी स्टार्टिंग रार से हो गया और इस फाइल का भी स्टार्टिंग रार से हो गया।
यानी कि हमारा फाइल दोनों है 100% क्लीन हो चुका है अभी और सेव भी हो चुका है। तो देखो हम रार फाइल को ओपन करते हैं, एरर आती है नहीं देखते हैं। देखो यो जो एरर थी वो चली गई है और ये मेरा जो रार है उसका लाइसेंस का एरर अभी दिखाई दे रहा है। तो ये कोई दिक्कत वाला नहीं, ये तो मेरा रार का एरर है। क्लोज कर देता हूँ और यह PNG में जाता हूँ। तो देखो PNG में तब मेरे को जस्ट वन फोटो ही दिखाई दे रहा था और वो भी कर्व दिखाई दे रहा था, और यहाँ पर मेरे सारे फ़ोटो आ चुके हैं और ये मेरा वर्क फाइल एक लिखा हुआ है वो भी आ चुका है। तो यहाँ पर हम मेरा डेटा जो है वो पूरा सेफली ओपन हो चुका है। तो अभी मैं इसको क्लोज कर दूंगा और बाद में PDF देखेंगे। PDF को ओपन कर लिया और देखो यहाँ पर PDF का भी नो एरर के साथ यहाँ पर ओपन हो चुका है। और PDF यहाँ पर मैं ओपन कर लूँगा, ये मेरा पूरा PDF का फाइल यहाँ पर कम्प्लीट रिकवर आ गया है। तो मैं इसको भी अभी एक्सट्रैक्ट करके हम ओपन करके देखेंगे हमारे डेटा सेफ है ना। तो यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट टू PNG दे रहा हूँ यहाँ पर, और हम दोनों के एक साथ में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये देखो यहाँ पर हमारा फोल्डर भी कम्प्लीटली सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो चुका है बिना कोई किसी एरर के। और मैं यहाँ से PNG फाइल में जाकर PNG ओपन करके, वाह ये मेरा पूरा फाइल कंप्लीट हो चुका है जो रार था और जिसके अंदर फोटो और डॉक्यूमेंट फाइल थी मेरी। तो ये कंप्लीट हो चुका है रिकवर, ये फोटो है। ये मेरे को जो नीलेश पटेल ने फाइल भेजा था वो रिकवर कंप्लीट हो चुका है। PDF देख लेंगे यहाँ पर से, PDF भैया ओपन हो जाएगी कम्प्लीटली। अभी थोड़ा लोड कर रहा है मेरा कंप्यूटर, फाइल बड़ा होगा मेरा हिसाब से। ये लोड हो चुकी है, वाह जनरल नॉलेज वेरी गुड। तो ये मेरा फाइल पूरा का पूरा रिकवर हो चुका है। तो मेरा फाइल यहाँ पर कम्प्लीटली लोड हो चुका है दोस्तों। तो आप ऐसे ही आपका USAM भी फाइल यहाँ पर रिकवर कर सकते हो। मैंने ज़्यादा ये वीडियो लंबा नहीं किया है क्योंकि मैंने इसका पूरा जो मेथड था वो पहले टोपी में ही दे चुका हूँ। तो ये क्या है कि टोपी में मैंने पूरा उसका मेथड दे दिया है, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को और यहाँ पर वीडियो ख़त्म करूँगा। आप कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आगे वाला जो टोपी वाला जो है वो आपको वीडियो देख लेना है, तो आपको ज़्यादा उसमें समझ आ जाएगा। मैंने जस्ट ये क्या उसका जो मेन रिप्लेस करना है वही दिखाया है इसमें, तो आप वो रिप्लेस करके इसको इजीली रिकवर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं इसके जो डिस्क्रिप्शन सब मेरा मेल आईडी दे दूंगा, तो वहाँ से आप मुझे मेल भेज अपना फाइल सैम्पल फाइल और आपका जो रीडमी फाइल है वो भेज सकते हैं। रीडमी फाइल इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो भी उसका पर्सनल आईडी कोड होता है वो उसमें होता है, तो रीडमी फाइल से ही ज़्यादातर हमको आगे पीछे कुछ आपका डिस्क्रिप्ट फाइल करना हो तो हम कर सकते हैं, जैसे हमने इस फाइल में किया। तो रीडमी फाइल और आपका एक दो सैम्पल फाइल हो तो हमको अच्छा रहेगा कि हम पूरा का मेहनत करके आपका फाइल जो है वो रिकवर दे सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, और कुछ भी हो तो कमेंट करिए और मेल कर दीजिए आपका फाइल अगर ओपन ना हो तो। ठीक है, ओके थैंक यू वेरी मच। और एक बात कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लो, और जो कि आपको बहुत काम आएगा क्योंकि मैं मोस्ट ऑफली तो ऐसा ही वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में काम आए वो ही करता हूँ। तो आप मेरे चैनल में कांटेक्ट में रहेंगे तो मैं कुछ वीडियो आपके वीडियो के बारे में अगर अपलोड करूँगा तो आपको मिलेगा। यानी कि जैसे कि किरीट भाई थे जो टोपी फाइल मुझे भेजा था, और नीलेश पटेल था जो मेरे को फाइल भेजा अभी ये USAM का। अगर जो नहीं होते तो मैंने इसका अपलोड जो वीडियो किया है वो उसको कुछ काम लगने वाला नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं उसके बारे में जो वीडियो बनाऊँगा उसमें वो कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं। तो मैं इस डिस्क्रिप्टर का और ये जो फाइल है वो दोनों को रार में
इस फाइल के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस डिस्क्रिप्टर को और जो रिक्वेस्ट कोड है उसको आप वहाँ से वो फाइल का कोड मिल सकता है।